हमने सुप्रीम कोर्ट में कॉमन ड्रेस कोड के लिए पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि पूरे देश में जितने भी रजिस्टर्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, कॉलेज है, प्रोफेशनल कॉलेज है, एकेडमिक कॉलेज है, सब में स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए ड्रेस कोड मैंडेटरी किया जाए। क्योंकि इंडिविजुअल जब ड्रेस पहन के आते हैं, कोई महंगा पहन के आता है, कोई सस्ता पहन के आता है, सब अपनी अपनी पसंद के हिसाब से आते हैं। स्कूल और कॉलेज सेकुलर पब्लिक प्लेस है, सेकुलर पब्लिक प्लेस पे सेकुलरिज्म मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सेकुलरिज्म मेंटेन तभी होगी जब सबका ड्रेस कोड एक होगा। वहां कोई अमीर कोई गरीब नहीं दिखाई पड़ेगा, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं दिखाई पड़ेगा। स्कूल और कॉलेज की जो सेकुलरिज्म सेकुलर का करैक्टर है वो तभी मेंटेन हो पाएगा जब सब एक जैसे दिखाई पड़ेंगे। ना कोई बुरके में होगा, ना कोई गमछे में होगा, ना कोई हिजाब में होगा, ना कोई नकाब में होगा, ना कोई वहां पे। कुछ लोग कहते हैं कि इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस का छूट मिलना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, इसेंशियल रिलीजन प्रैक्टिस उसको कहते हैं कि जिस दिन उस धर्म की स्थापना हुई, जिसने उस धर्म की स्थापना किया उसने उसको पहना, उसने उसको बताया। उदाहरण के लिए सिख पंथ की स्थापना हुई तो जिस समय सिख पंथ की स्थापना हुई उसी दिन हमारे गुरुदेव ने साफा कहा था, पगड़ी पहनना अनिवार्य किया था, और उन्होंने खुद पहना था, उनके बच्चों ने पहना था, उनके परिवार ने पहना था। जबकि हिजाब नकाब